अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी बकरीद स्पेशल कबाब की रेसिपी, जो बहुत ही टेस्टी, सॉफ्ट और जूसी ये कबाब बनता है। बनाना बेहद आसान है, तो कैसे बनता है आइए देख लेते हैं। तो इधर मैंने 1 kg बीफ लिया है, अब इसको चॉपर में डाल के बारीक चॉप करेंगे। ये जो बीफ है इसको हम चॉपर में डालेंगे। आप चाहें तो इसका कीमा करके सारी चीज़ ऐड करके मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड भी कर सकते हैं। इसी चॉपर में सारी चीज़ को ऐड करेंगे। इधर मैंने 1 बंडल धनिया पत्ती का लिया है, जिसको डंटी के साथ डालेंगे। 2 पीस रफली चॉप किया हुआ प्याज ऐड करेंगे। 4 पीस डालेंगे हरी मिर्च। 3 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। टेस्ट अकॉर्डिंग सॉल्ट ऐड करेंगे। 2 टेबल स्पून डालेंगे लाल मिर्च पाउडर। 1 टेबल स्पून गरम मसाला। 1.5 टेबल स्पून डालेंगे काली मिर्च पाउडर। 2 टेबल स्पून धनिया पाउडर। 2 टेबल स्पून डालेंगे ज़ीरा पाउडर। 4 टेबल स्पून दही डालेंगे, जिसका पानी मैंने निकाल लिया था। इधर मैंने 1 पीस प्याज लिया था, जिसको पहले से ही ब्राउन कर लिया है, अब इसको डालेंगे। 1 पीस लेमन जूस ऐड करेंगे। बस अब इसको कवर करके बारीक चॉप कर लेंगे। तो ये अब अच्छी तरह से चॉप हो चुका है, अब खोल के हम चेक कर लेंगे। ये देखिए कितनी अच्छी तरह से चॉप हो चुका है। अब इसको हम निकाल लेंगे। अगर रेसिपी आपको अच्छी लगेगी तो लाइक, शेयर और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अब इसको हम बड़े से बोल में ट्रांसफ़र कर लेंगे, क्योंकि इसमें स्मोक देना है, तभी कबाब जो है वो बहुत ही टेस्टी लगेगा खाने में। बीच में छोटी सी कटोरी को रखेंगे। मैंने पहले से ही लकड़ी के कोयले को जलने के लिए रख दिया था। अब इसमें 1 टेबल स्पून घी या बटर डालेंगे। अब इसको कवर कर देंगे 4 से 5 मिनट के लिए। 4 से 5 मिनट हो चुका था, कटोरी को निकाल लेंगे। अब इसको हाथ से बहुत अच्छी तरह से मिक्स करेंगे 4 से 5 मिनट के लिए। मैंने बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है, अब इसको हम शेप देंगे। मैं इसको ओवल शेप में बना रही हूँ, आप चाहे तो कोई भी शेप का बना सकते हैं। तो इस तरह से हम रेडी करेंगे। इसी तरह से सारे कबाब को रेडी कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने काफ़ी सारे कबाब को रेडी कर लिया है, अब इसको हम फ्राई करेंगे। चूल्हे पे मैंने पैन को रखा है, अब इसमें हम ऑयल डालेंगे। ऑयल को चारों तरफ फैला लेंगे। तो ऑयल अच्छी तरह से गर्म हो चुका है, ये जो मैंने कबाब को रेडी किया था, अब इसको हम पैन में डालेंगे। अब जितना आपके पैन में अटे आप डाल दें। अब फ्लेम को हाई करके इसको पकने देंगे। एक तरफ से ये हल्का सा फ्राई हो चुका है, अब इसकी साइड हम चेंज कर देंगे। इसी तरह से पलटते हुए दोनों तरफ से अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। तो ये अब अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है। इधर मैंने लिया है 1 टमाटर, जिसको इस तरह से स्लाइस में कट कर लिया है। 1/2 कैप्सिकम, इसको भी इस तरह से स्लाइस में कट कर लिया है। और 1 पीस प्याज लिया है, इसको भी इस तरह से कट कर लिया है। अब इसको हम पैन में डालेंगे। अब इसको 1 से 2 मिनट के लिए हम सौते कर लेंगे। प्याज, टमाटर, कैप्सिकम को बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, बस 1 से 2 मिनट ही इसको कुक करना है।
तो ये अब हो चुका है। तो ये देखिए बहुत ही टेस्टी जूसी सॉफ्ट कबाब बनकर के तैयार है, बहुत टेस्टी बनता है, तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा।